नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में।
स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वे लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वे लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वे लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वे लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो
पहला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई जो 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो पहला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई जो 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो पहला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई जो 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो पहला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई जो 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है वो पहला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई जो 1984 में आई
बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड
माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है। और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है। और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है। और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है। और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देखने
निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, हाला है द टर्मिनेटर, जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, हाला है द टर्मिनेटर, जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, हाला है द टर्मिनेटर, जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है, हाला है द टर्मिनेटर, जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे
ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखिए। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट,
भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने।
तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स। प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984। समय सीमा 108 मिनट। भाषा अंग्रेजी। लागत 6.5 मिलियन। कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स। प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984। समय सीमा 108 मिनट। भाषा अंग्रेजी। लागत 6.5 मिलियन। कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स। प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984। समय सीमा 108 मिनट। भाषा अंग्रेजी। लागत 6.5 मिलियन। कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स। प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984। समय सीमा 108 मिनट। भाषा अंग्रेजी। लागत 6.5 मिलियन। कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है
हाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, जो 1984 में बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और 3 पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, जो 1984 में बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और 3 पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, जो 1984 में बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और 3 पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, जो 1984 में बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी का कुछ और 3 पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है हाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, जो 1984 में
बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जैसे जिसमें अर्नोल्ड
माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में है। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ, और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें।
निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सब से ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है, और जैसे जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ।
और आप सब से ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सब से ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सब से ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सब से ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने, निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सब से ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स प्रदर्शन अक्टूबर
26/1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन 26/1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन 26/1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन 26/1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई, बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब एंड लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देख लें। निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन 26/1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार
बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइज इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेब लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था उसने। तो गाइस इस आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, पर आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
स्वागत करता हूं और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। स्वागत करता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की मूवी का रिव्यू होने वाला है द टर्मिनेटर। द टर्मिनेटर जो कि 1984 में आई बनी विज्ञान पर आधारित फिल्म है, जिसका दिग्दर्शन जेम्स कैमरून द्वारा किया गया है और जिसमें अर्नोल्ड माइकल वेव लिंडा हैमिल्टन मुख्य भूमिका में हैं। सो गाइस, इस मूवी के कुछ और की पॉइंट देखने निर्देशन, निर्माता और ये सब अभिनेता, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। और आप सबसे ये स्टूडियो वितरक और ओरियन पिक्चर्स, प्रदर्शन अक्टूबर 26, 1984, समय सीमा 108 मिनट, भाषा अंग्रेजी, लागत 6.5 मिलियन, कुल कारोबार बहुत अच्छा किया था इसने। तो गाइस, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।